कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टीम ने भोपाल स्थित कार्यालय से 51 जिलों में कोविड 19 टीम को ट्रेनिंग दी। इसके जरिए जागरूकता बढ़ाने और निगरानी के संबंध में जानकारी दी। देवास कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज ITI परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़वानी में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 45 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 3500 किलोग्राम महुआ लहान जब्त की। जब्त सामग्री का मूल्य लगभग 1,77,400 रुपए से अधिक आंका गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज आयोजित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उमरिया के NIC कक्ष में कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार सहवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बड़वानी जिले में 9 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्य उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत राशन कार्ड धारियों को अन्न का वितरण किया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत आज 122 व्यक्तियों से 12,200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। होशंगाबाद कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने धान उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जित धान का परिवहन सुचारू रूप से किया जाए तथा किसानों को भुगतान समय पर हो। मुरैना में क्षेत्रीय विधायक श्री बाबूलाल जंदेल, SDM श्री रूपेश उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने एक दर्जन ग्रामों में ओला से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। खरगोन के क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल ने जुलवानिया रोड पर निर्मित पुल का सड़क निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर एजेंसी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित होम स्टे योजना के अंतर्गत आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सतना की होटल भरहूत में किया गया। हमारे संभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट dprmp.org।